अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को फुल वॉच कर ले। आज की इस वीडियो में हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि RSI को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को इस्तेमाल हम किन किन जगह पे कर सकते हैं। क्या जब ग्राफ में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। लाजमी बात है कि जब भी आप मार्केट, अगेन वही बात आ जाती है कि जब भी आप एनालिसिस की बात सुनते हैं या टेक्निकल एनालिसिस की वर्ड सुनते हैं या प्रिडिक्शन की वर्ड सुनते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। प्रिडक्ट करते हैं हम एज्यूम करते हैं, हम प्रीवियस डेटा को मद्देनजर रखते हुए आने वाले कल को हम देखते हैं कि अगर 2 दिन से पहले हमारा क्या सिचुएशन था तो कल हमारा क्या सिचुएशन होगा। तो हम प्रिडक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आने वाले कल के बारे में प्रिडक्ट कर रहे हैं। सही है, तो इन चीजों का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये वर्ड्स अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इन चीज पे आपने फोकस करना होगा। लाजमी बात नहीं है कि आप सिर्फ ओनली RSI को यूज करके आप प्रिडक्ट कर सकते हैं, नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। हमेशा जितने भी टूल्स आपको आ रहे हैं कम से कम 50% उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, ग्राफ को एनालाइज करने के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रिडिक्शन तब भी मैं नहीं कह रहा कि 100% होगी, फिर भी किसी खास हद तक आपकी प्रिडिक्शन अच्छी होगी। इसमें हम RSI में हम कौन सा टाइम फ्रेम रखें, क्या डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, तो वो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा रिव्यू बता देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये क्या भी यूज लेता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा ख्याल रखना होगा कि जब भी हम बात करते हैं कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट RSI क्या ले लेता है। सही है, तो उस चीज को थोड़ा हम ओके एक मिनट, तो मैं थोड़ा क्लियर करके ये चीजें बना दूं तो आपको आसानी भी होगी और आप आसानी के साथ समझ भी जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये जब वैल्यू ले लेता है तो वो होता है 0 और 100 के दरमियान। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो 0 और 100 के दरमियान अपना फ्लक्चुएशन शो करेगा। याद रखिएगा, इस डोमेन के अंदर आपका ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का एक खास रिदम के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ यहाँ पे हो और डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाता है। फिर हम इंडिकेटर्स को देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स हमारे साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको देख के मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं और आपको मैं ये बता दूं, सही है, बाय डिफॉल्ट RSI ये वैल्यू लेता है। अब जब आपने जो वैल्यू लेनी होगी उसके बारे में थोड़ा आ जाते हैं, तो आपने 0 और आपने फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाली वैल्यू रहे 0 और 100 के दरमियान, लेकिन आपने जो वैल्यू लेनी है वो मैं दिखा देता हूँ। आपने जो वैल्यू लेनी होगी वो आपने आप 40 या 30 और 60 के दरमियान ले सकते हैं। सही, क्या मतलब हुआ कि आपका जो ग्राफ होगा वो कन्वर्ज हो कि इस डोमेन के अंदर फ्लक्चुएशन शो करेगा। आपका डोमेन फिर 30 और 40 होगा, 60 होगा, 30 और 60 के दरमियान में आपका फ्लक्चुएशन होगा। अब याद रखिएगा, जब ग्राफ यहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इस डोमेन के अंदर फ्लक्चुएशन शो करता है एक खास रिदम के साथ, आप कह सकते हैं कोई भी फ्लक्चुएशन शो करता है, तो आप एज्यूम करेंगे कि मेरी बाई पोजिशन कौन सी होगी। अगर इस डोमेन के अंदर है तो आपने कभी बाई नहीं करना। सेल कब करना होगा तो वो भी आपके लिए जरूरी है कि जब ये इस वायलेट करे इस डोमेन को, 60 और 40 के डोमेन को, तो तभी आपने सेल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राफ यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया और यहाँ पे उसने W का शेप बना दिया और फिर दोबारा ऊपर की तरफ चला गया, तो बाय डिफॉल्ट आप कहेंगे कि मेरा बाय पोजिशन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए क्योंकि 60 और 30 30 और 60 के डोमेन ने इसने वायलेट किया डाउन और ये ओवरशॉट। मतलब क्या हुआ, ओवरशॉट मार्केट की वैल्यू क्यों गिर रही है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, करेंसी ज्यादा है या कोई भी स्टॉक ज्यादा है,
अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पोजीशन को बाय पोजीशन लगा देते हैं। लोग यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, इस पोजीशन पे बाय करेंगे। अब जब बाय करेंगे तो क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी बाय करने के बाद। अब देखिए, जब लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, सही है। तो इन चीज का आपने ख्याल रखना होगा कि जब भी आपका जो 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 ग्राफ है वो 30 और 40 के दरमियान हो और उसको वायलेट करें, सही है। वायलेट करें मतलब कि या तो गिर जाए 30 से या 60 से ऊपर चला जाए, तो आपने फिर बाय और सेल के बारे में बताना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे आ गई, इसने इस ग्राफ को क्या कर लिया, कट कर लिया, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि 60 और 40 30 के दरमियान ही हम अपना बता देते हैं कि हम इसके दरमियान हम ट्रेड करेंगे और इन दो वैल्यूज के दरमियान हम मार्केट में इन और आउट होंगे। अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बुलिश डाइवर्जन। और ये दो वर्ड्स है, मैं अगर इसको खत्म करूं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। समटाइम आपको इंडिकेटर्स, मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी कहा कि हम प्रिडक्शन करते हैं, मार्केट की प्रिडक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, समटाइम आपको जो ग्राफ जो जो उसका ग्राफ है करेंसी का या जो स्टॉक का, वो कुछ इस तरह आएगा। देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरह का होगा ग्राफ। लेकिन लेकिन RSI का जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो इस तरह होगा, सही है। मैं अभी आपको समझा लेता हूँ इसकी वजह क्या है। ये फॉर एग्जाम्पल कॉइन का ग्राफ है, सही है। और किसी भी कॉइन को अगर आप ले ले, और ये RSI के रिलेटिव, ये RSI का है। तो दो ग्राफ है हमारे पास। अब क्या लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर कॉइन का ग्राफ ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। RSI, हमने मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो RSI हमें एडवांस में ये एक फैसिलिटी दे देता है कि ग्राफ अगर इस डायरेक्शन में हो RSI का, और कॉइन की ग्राफ इस डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद कॉइन का जो ग्राफ है या स्टॉक का जो ग्राफ है वो गिरने वाला है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी देर बाद ये होने वाली है। क्यों, क्योंकि RSI क्या है, RSI प्रिडिक्शन करता है, आपको ये बता देता है आने वाले थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, उसकी आप प्रिडिक्ट करते हैं। समटाइम ये होता है, लाजमी बात नहीं है कि आपको हर टाइम ये सिचुएशन मिलेगी, लेकिन समटाइम ये सिचुएशन मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर RSI नीचे की तरफ हो और कॉइन का जो ग्राफ या स्टॉक का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ हो, तो आपने कभी बाई नहीं करना। आप बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पे बाई करना चाहिए क्योंकि RSI डाउन है और मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ी देर बाद, तो ये आपने कभी नहीं करना होगा। समटाइम आपको एक ये शेप मिलेगा। दूसरा ये है कि कॉइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होगा, सही है, और RSI का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होगा। अब ये आपको बता रहा है कि अगर ये आपका होना चाहिए बाय पोजीशन, ये आपका क्या होना चाहिए, बाय पोजीशन। क्यों, क्योंकि RSI और स्टॉक का ग्राफ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने के बाद ही हम बाय करेंगे। अब इंटरसेक्शन भी डिपेंड करता है एंगल पे। अगर फॉर एग्जांपल ये डाउनवर्ड है, अब ये इस तरह की इंटरसेक्शन ग्राफ जो बना रहता है, इंटरसेक्ट करता है दूसरे ग्राफ को, तो ये एंगल कितना है डिपेंड करता है इस एंगल पे। जितना एंगल बड़ा होगा उतना मार्केट ज्यादा पंप होगी, और जितना एंगल कम होगा उतना मार्केट ऊपर जाने की चांसेस कम होगी। एंगल ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा होगी मार्केट ऊपर जाने की, और एंगल कम है तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस कम होगी। तो ये जो दो चीजें हैं, आपने थोड़ा इसको भी देखना होगा कि समटाइम मार्केट की सिचुएशन ऊपर की तरफ होती है, मार्केट की जो ग्राफ से वो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन स्टिल RSI नीचे की तरफ होता है। तो वो आपको पहले से ही बता देता है कि RSI अब भी डाउन जा रहा है और मार्केट अब स्टॉक की जो ग्राफ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन की तरफ होगी, तो आपको एडवांस में बता देता है जब ऐसी सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्पेस आप देख लें, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये और ये, जहां पे स्पेस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्पेस कम हो, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ग्राफ को देखकर मद्देनजर रखते हो, आप बता सकते हैं यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, आपने कुछ भी नहीं करना होगा, ना बाय करना होगा,
ना सेल करना होगा, क्योंकि सेल तो कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, लेकिन बाई आपने नहीं करना होगा। यहाँ पे आपने बाई करना होगा क्योंकि दोनों ने इंटरसेक्ट किया। मार्केट की सिचुएशन क्या होगी ये डिपेंड करता है एंगल पे कि कौन सा एंगल वो बना रहे हैं, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना होगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए, अब ये मैं फॉर एग्जाम्पल RSI का मेरे पास, आपने सबसे पहले इंडिकेटर में जाना होगा। यहाँ से आपने RSI को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, सही है। मैं इसको चले 70 और 30 कर लेता हूँ, सही है। और मैं दोनों के कलर्स को भी 70 को मैं इसको मैंने चले व्हाइट कर लिया और इसको मैंने रेड कर दिया, सही। इसको येलो कर लेते हैं, सही है। और हमेशा कलर वो इस्तेमाल किया करें कि जो कलर आपको मतलब वाजे हो कि आप उसको आसानी के साथ देख सकते हो। अब देखिए ना, जिस तरह मैंने कहा कि डिपेंड करता है आपका जो एंगल है उस पे डिपेंड करता है। अब देखिए ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो बेशक यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हुई, दोनों ग्राफ की इंटरसेक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो जो दोनों ग्राफ की डायरेक्शन है वो किस किस एंगल से जा रही है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आप यहाँ आके आपको समझा सकूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का जो ग्राफ है वो इस तरह आ रहा है, और दूसरा कौन सा ग्राफ है, जो RSI का जो ग्राफ है वो भी इस तरह आ रहा है, सही। तो मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट आएगा कि दोनों इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट की जो सिचुएशन थी वो ऊपर चली गई, तो जैसे ही मार्केट की सिचुएशन ऊपर चली गई, सेम उसी तरह स्टॉक ने भी कहा, RSI ने भी कहा कि मैं भी ऊपर की तरफ जाऊंगा क्योंकि मार्केट ऊपर है। ये जो सिचुएशन है, ये जो मैंने आपको अभी बता दी, ये बहुत रेयर केस में होता है। आपको हर टाइम इस तरह की कोई ग्राफ नजर नहीं आएगा। जब हाँ, मार्केट जब अनस्टेबल हो, मार्केट में जब फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, मार्केट में जब इन और आउट और बाय और सेलिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत एक्टिव हो, तो तब ये मसले होते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में, बहुत रेयर केस में होता है, हर टाइम ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप अपना डिपेंड करता है कि आपने इंडिकेटर का जो टाइम फ्रेम है या जो रेंज है या जो डोमेन है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो कितना, या अभी जो मैंने आपको बताया 30 और 60 के दरमियान जो डोमेन है वो कितना रखना चाहिए, आपने उसको भी थोड़ा बहुत देखना होगा। मार्केट की अब क्या सिचुएशन है, अगर हम 1 आवर को देखें तो BTC की प्राइस ऊपर की तरफ है। अब देखिए, RSI जो मुझे बता रहा है सेम ग्राफ भी वही बता रहा है। बहुत रेयर केस में होता है कि आपका RSI नीचे की तरफ हो और ग्राफ ऊपर की तरफ हो, लेकिन ये तब होता है जब मार्केट में, अब जिस तरह लोना का जो प्राइस का जो मसला हुआ था, अगर हम यहाँ पे आ जाए तो इसी ने कुछ इस तरह के मसले, इससे इस मार्केट की वजह से कुछ मसले वो इस तरह के मसले थे कि RSI एक तरफ था और ग्राफ दूसरी तरफ था, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, लोना के बारे में कोई अच्छी न्यूज अभी तक नहीं आई, जैसी कुछ अच्छी न्यूज आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वही 97% जो मार्केट ऊपर गई थी, उससे ज्यादा आज तक अभी तक कुछ खास अपडेट्स नहीं है। तो ये थी RSI के बारे में। अब आपकी डिपेंड, ये आप पे डिपेंड करता है, जितना आप उसको एक्सप्लोर करोगे टाइम फ्रेम को डिफरेंट करके, आप टाइम फ्रेम को चेंज करके या अपने डोमेन को चेंज करके, तो उतनी आपकी प्रिडिक्शन जो होगी आपको पता चलेगा कि हम इस टाइम फ्रेम, अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए 20 और 40 और 30 और 70 का जो रेंज है वो अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है। मैं खुद अपना जो इस्तेमाल करता हूँ वो 30 और 70 या 40 और 60 के दरमियान का जो डोमेन है उसको मैं देखता हूँ। तो ये है, इंडिकेटर कर सकते हैं आप मार्केट की आने वाली थोड़ी देर बाद जो सिचुएशन है उसको बता सकते हैं। तो ये बेसिक्स थी, बेसिक्स भी थी और एडवांस भी थी। अब इसमें आप डिपेंड करता है कि यूजर इसको किस तरह यूज करते हैं, जितना आप इसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो ये आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही काफी है।